नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छा हूं। और कुछ नमस्कार हैं, कुछ हेलो हैं, जय श्री राम, राधे राधे सर, अंकिता पांडे, गुड इवनिंग सर, मनीष दीक्षित, राधे राधे सर, थैंक यू, जय श्री राम, सुमित कुमार राय, प्रदीप कुमकुम, हेलो सर, आर आई मीना, राम राम साहब, मास्टर जी, थैंक यू सो मच, राम राम आपको भी, सुमित कुमार राय, नमस्कार सर, डांस विद विशाल चौहान, आप रोज आते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप रोज मेरी क्लास में आ रहे हैं, गुड इवनिंग, थैंक यू गुड इवनिंग। आपका लेक्चर अटेंड करने के लिए पूरा दिन वेट करता हूँ सर। तन्मय आर जी के का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तन्मय जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और अब हो गया है 7:02 सर का कांटेक्ट नंबर क्या करोगे भाई, मैं सीधे तुम्हारे साथ सामने आ रहा हूँ, तो रोज शाम को 7 यहीं पर मिलिए मुझसे लाइव। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। आपको पता है कि मेरी क्लास कितने बजे आती है, रोज शाम को 7 आती है। नाम मेरा क्या है, नाम मेरा है राहुल मिश्रा, और नाम तो सुना ही होगा। तो फिलहाल आज ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मैंने कल आपको सिलॉग पढ़ाना शुरू किया था, और सिलॉग पढ़ाते पढ़ाते मैंने कल कमेंट भी कुछ रीड किए हैं, तो आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो कल वाला मैं जब तक और लोग ऑनलाइन आते हैं उतनी देर में हम लोग थोड़ा सा फटाक से एक रिवीजन ले लेते हैं। फिलहाल देखिए, कल कुछ बच्चों को परेशानी हो रही थी कि सर रीस्टेटमेंट एज ए कंक्लूजन ट्रीट होता है कि नहीं होता। मैंने कंक्लूजन पढ़ा ही नहीं है अभी आपको, मैंने तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स के फिगर बनाने बताए हैं। मैंने आपको ये बताया है कि जब आपके पास कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई कथन आएगा, तो आप उसका फिगर कैसे बनाएंगे। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर ये जो आप वेन डायग्राम मेथड से पढ़ा रहे हैं, ये इसमें आपको पूरी एक्यूरेसी नहीं मिलती। जी नहीं, किसी भी किताब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वेन डायग्राम से एक्यूरेसी नहीं मिलती। बस ये कि आप उसको लगाना नहीं सीख पाते हैं, आप उसको करना नहीं सीख पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, बसरते सिर्फ और सिर्फ इतना करिएगा, सिलॉग के केस में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जितनी चीजें कही जाए, जितना कहा जाए, उतना ही कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट चीजें करनी है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पिछला थोड़ा सा एक फ्लैशबैक लेता हूं, एक रिकैप लेता हूं आपके लिए। कल हमने सबसे पहले एक सेंटेंस देखा था ऑल एआरबी। मैं यहां पर अभी इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, जो मैंने कल आपको स्लाइड करवा दी थी, उसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। ऑल एआरबी यानी सभी ए बी हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ये समझ लें, इसका मतलब क्या है, सभी ए बी हैं। तो इसका फिगर मैंने आपको कैसे बताया था, आपको यहां पर एक छोटा सा ए बनाना है और यहां पर क्या बनाना है, बी, क्योंकि इसमें केवल एक ही ये रिलेशन नहीं है, और भी कई रिलेशन होते हैं। जैसे कहा गया सभी ए बी हैं, तो इसमें दो रिलेशन और निकल आते हैं, और वो हो जाते हैं सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। यानी अगर आपको पता हो कि सारी की सारी चीजें के बारे में आपको पता हो, जैसे मैं बता रहा हूं मेरे हाथ में मान लीजिए कोई फूल छुपे हुए हैं, मैंने कहा इस दुनिया के सभी फूल पीले हैं, तो बताओ मेरे हाथ में फूल जो है वो कैसे होंगे, वो भी पीले होंगे। तो ये तो आपने देखे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये फूल भी क्या है, पीले हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, तो फिर आप उसमें तीन रिलेशन इस फिगर से निकाल सकते हैं, वो है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए, हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इस फिगर में होल्ड करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर पॉजिटिव होगा तो आप उसको निगेटिव नहीं लेंगे, यानी कि यहां पर सकारात्मक कथन दिया गया है तो आप उसके निगेटिव नहीं लेंगे। अगला सेंटेंस था हमारे पास सम ए आर बी। अगर हम सम ए आर बी का फिगर बनाएंगे, तो यहां पर मैं जल्दी से ले रहा हूं, इसको कंप्लीट करता हूं। ये रहा आपका सम ए आर बी का फिगर। यहां पर ए को आपको बनाना है, बी को आपको बनाना है, और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट रखना है। ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस सिर्फ इस पार्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, आप इसी पार्ट के बारे में जानकारी दे पाएंगे, आप इसके बारे में कुछ भी बता नहीं पाएंगे। प्लीज इधर से कोई भी रिलेशन ना निकालें। जैसे ये कहा जाए कि कुछ भी ए नहीं है, यानी सम बी आर नॉट ए, ये यहां पर होल्ड नहीं कर रहा है, ये यहां पर नहीं आ रहा है। इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ दो रिलेशन होते हैं, एक है सम ए आर बी, और ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय समझते हैं, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो रिएक्शन इधर से उधर चली जाए, उधर से इधर भी आ जाए। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे पानी से बर्फ जमना, आप बर्फ से पानी भी जमा सकते हो, तो ये उत्क्रमणीय हो गया, ये रिवर्सिबल होता है। अगर सम ए आर बी आएगा तो सम बी आर ए भी आएगा। ये हो गए आपके दो फिगर। इसमें कितने रिलेशन है, तीन। इसमें कितने रिलेशन है, दो। आपको बस इतना ही याद रखना है, कोई दिमाग लगाना नहीं है। फिलहाल कुछ लोगों को नेगेटिव में दिक्कत है, तो नेगेटिव हम लोग कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव अगर आएगा, अगर मान लीजिए नकारात्मक कथन आ रहा है आपके पास, एक स्टेटमेंट आ गया नो ए इज बी, यानी कि हिंदी में कोई ए बी नहीं है, अगर ये आ गया है, तो ये करने के लिए आपको सिंपल से दो गोले बनाने हैं। अभी तक आप कैसे भी बनाते रहे हैं, प्लीज उस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, क्योंकि मैं पॉजिटिव को एकदम अलग रखता हूं, नेगेटिव को एकदम अलग रखता हूं, जिससे मेरे दोनों रिलेशन आपस में मैच नहीं करते। यहां पर देखिए, ये है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच में आपको सिंपल सा एक डॉट बनाना है। जब भी आप नो का रिलेशन लेंगे तो आपको डॉट जरूर बनाना है, और ये
एक्चुअल में क्या होगा, हम फिगर देके आंसर करने वाले हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया लेकिन हम फिगर देके आंसर करने वाले हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर जब भी आप डॉट बनाएंगे तो नो के केस में आप ए पर भी डॉट बनाओगे और बी पर भी डॉट बनाओगे। सिंपल सा ये याद रखिए, फिगर इसका ऐसे ही बनाएंगे, यानी आप कभी भी ये फिगर देखेंगे तो उससे आप रिलेशन निकाल लेंगे कि नो ए इज बी है। और जहां पर भी आप डॉट बनाएंगे वहां सिंपल से लिख लीजिएगा नो और नॉट, ताकि आपको याद बना रहे कि ए और बी के बीच में कितने रिश्ते नजर आएंगे, चार रिश्ते नजर आएंगे। यहां पर चार रिलेशन है, दो रिलेशन नो को लेकर, जैसे कि नो ए इज बी है, दूसरा होगा नो बी इज ए। इस रिलेशन का मतलब यह है कि हमारे पास ए के पास क्या है, नो, और बी के पास भी क्या है, नो। देखिए हमने दोनों के सेंटेंस बना लिए, अब दोनों के पास नॉट भी है तो नॉट का सेंटेंस भी बनाएंगे, लेकिन नॉट का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार का है, उसका जो सेंटेंस बनता है वो इसी प्रकार से बनता है, सम ए आर नॉट बी। यहां पर निगेटिव कौन है, बी निगेटिव है, बी के बी वाले नॉट का इस्तेमाल किया है इस बार हमने, इसलिए हम ये रिलेशन बना पाए हैं। उसके बाद है सम बी आर नॉट ए। और मैं आपको फिर से यहां पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि यहां पर ये मैंने चार रिलेशन क्यों बनाए हैं। देखिए अगर कहा जाए कि ए फॉर अमेरिका, बी फॉर भारतीय, कोई अमेरिकी भारतीय नहीं है तो कोई भारतीय भी अमेरिकी नहीं होगा, यानी कि कोई नो बी इज ए बी आएगा, ये रिलेशन आएगा, तो ये रिलेशन निश्चित रूप से आएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। अगर कहा जाए कि कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है तो कोई बुद्धिमान भी आदमी नहीं होगा, एक मजाकिया सेंटेंस ले लेता हूं, कोई आदमी गधा नहीं है तो कोई गधा भी आदमी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो गधा आदमी बनेगा एक आदमी गधा बन जाएगा। तो अगर ये आता है नो ए बी तो नो बी इज ए निश्चित रूप से आना है, और अगर ये आपको पता है तो निश्चित रूप से कुछ ए बी भी नहीं होंगे। अगर कोई अमेरिकी भारतीय नहीं है तो कुछ अमेरिकी भी भारतीय नहीं होंगे और कुछ भारतीय भी अमेरिकी नहीं होंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आप ये सेंटेंस बनाते हैं तो ये अपने आप कितने रिलेशन लेके आता है, चार, और वो कौन कौन से हैं ये याद रखना कि दो नो के आएंगे दो नॉट के आएंगे। सेंटेंस का फॉर्मेशन याद रखिएगा किस तरह से बन रहा है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सम या नॉट बी, वो काफी लोगों को परेशान कर रहा था, सम या नॉट बी की बात करते हैं। वो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वो थोड़ा सा सर समझा दीजिए, दोबारा समझा दीजिए, उसके चक्कर में मैंने ये पूरा थोड़ा सा आपका पांच मिनट लिया है, लेकिन धैर्य से धैर्य के साथ बने रहिए, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हम लोग। सम या नॉट बी आता है, मान लीजिए सम या नॉट बी में देखिए निगेटिव कौन है, बी, और यहां पॉजिटिव कौन है, ए। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। इसका फिगर आप ऐसे बनाएंगे, आप जब फिगर ही अलग बना लेंगे तो रिलेशन गलत निकलने का सवाल ही नहीं उठता। जिस जो निगेटिव होगा उसके ऊपर बी, जैसे बी निगेटिव है तो डॉट उसके ऊपर बना दीजिएगा, ए पॉजिटिव है तो ए के ऊपर कोई डॉट बनेगा नहीं। तो यानी यहां पर जो रिलेशन है इस फिगर में, जो रिलेशन है, अगर आपको ऐसा फिगर कहीं नजर आता है तो आपको जो रिलेशन निकालना है वो है सम ए आर नॉट बी। और ध्यान रखिएगा इससे, इस फिगर से और कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, पहले वाले में तीन बताए, दूसरे वाले में दो बताए, नो वाले में चार बताए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा देखिए ये एक स्लाइड है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। इसका फिगर हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, फिगर वहां पे बना हुआ है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सम ए आर बी, जब हम सम ए आर बी की बात करते हैं तो इसको लिखा हुआ है कुछ ए बी है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, कुछ ए बी है, दूसरे पे लिखा हुआ है कुछ बी सी है। अब इसका फिगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे तो आप इसको क्या बनेंगे, खुद से इसका फिगर बनाइएगा, उसको कॉपी मत करिए, वो तो बना रखा है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। आ गया है बिल्कुल समझ में, तो इसके बाद चलते हैं जरा कुछ ए बी बनाइए। अभी हम लोग निष्कर्ष नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा निष्कर्ष के ऊपर, मैं आपको फिगर बनाना बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी कर पाए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। यहां पर कुछ ए बी की बात करें तो यह है कुछ ए बी है, हो गया ना, देखो वैसे ही बन रहा है, कुछ ये क्या हो गए, कुछ ये बी हो गए हैं, और यहां पर भी मैंने बनाया कुछ ये बी है, ये मैं बना के भी बताता जा रहा हूं, और फिर लिखा हुआ है कुछ बी क्या है, सी है, कुछ बी क्या हो गए, सी हो गए, कुछ बी सी हो गए। अब आपको जो जानकारी उपलब्ध है, अर्जुन बनो मेरे दोस्तों, अर्जुन बनने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के बारे में जानकारी देना, लेकिन बाकी जिसको मैंने कलर नहीं किया है उस पार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं देना। अब इसको देखो, ए और बी के बीच में सबसे पहले कितने रिलेशन बनेंगे ये देखते हैं, ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, ए और बी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो है सम ए आर बी का, तो इसमें दो रिलेशन बन सकते हैं इन दोनों के बीच में, वो है एक सम ए आर बी और एक है सम बी आर ए। सम ए आर बी का मतलब कुछ ए बी है और सम बी आर ए का मतलब कुछ भी ए है। फिर उसके बाद बी और सी की बात करते हैं, ये रहा बी और ये रहा सी। बी और सी की बात करें तो सम बी आर सी, बी और सी में भी बिल्कुल वही फिगर, अब अर्जुन बने रहेंगे, सिर्फ बी और सी को देखेंगे, ए को देखने की जरूरत नहीं है। तो बी और सी में कितने रिलेशन है ये देखते हैं, बी और सी में कितने रिलेशन है, बी और सी के बीच में देखिए ये है और ये है, इनके बीच में भी दो ही रिलेशन होने वाले हैं और वो है सम बी आर सी और एक है सम सी आर बी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल फिगर देखना सीख जाइए, आपको सारे आंसर खुद ब खुद आने लगेंगे। इसको देखते हैं जरा, ए और सी में कितने रिलेशन बनेंगे, ए अपने रास्ते है, सी अपने रास्ते है, यानी कि ए और सी के बीच में यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि कोई ए सी नहीं है,
नो एसी, क्या ये यहां पर सही होगा? सोचिए और बताइए, यस या नो में लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। कि एक और बन सकता है जिसमें बी कॉमन हो सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मैं मना कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी केसेस मत लगाइए। आपने कहा है हो सकता है, मैंने कहा है नहीं है, मैंने कहा हो सकता है, मैं हो सकता की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली ट्रू रिलेशन की बात कर रहा हूं। सॉरी, सी कॉमन होगा, क्यों कॉमन करोगी भाई, वो तुम बनाने के ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने आपसे कहा था दूर दूर की चीजों को पास मत करिएगा वरना सिलॉग गलत हो जाएगा। आपको कहा गया है कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कौन कह रहा है कि ए और सी में कोई रिलेशन है? किसने बताया? अपने मन से कर रहे हो ना, अपने मन से क्यों कर रहे हो भाई? अपने मन से करोगे तो क्वेश्चन फिर अपने मन से ही कर लो पूरा पूरा, बिल्कुल अपना मन नहीं लगाना है, बिल्कुल नेता नहीं बनना, जो कह रहा है वही करो, एब्सोल्यूट कह रहा है। अगर गिलास भरा हुआ है तो सिर्फ आधा गिलास भरा हुआ देखो, आधा खाली वाला मत देखो प्लीज यार। यहां पर अगर बोला गया कुछ ए बी है कुछ बी सी है तो आपको बी और सी के बीच में रिलेशन पता है, ए और बी के बीच में पता है, लेकिन ए और सी के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है, इसलिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आप करेंगे इसे और ए और सी के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो आप गलती करके आएंगे, क्राइम, इट विल बी क्राइम, और आप क्रिमिनल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले फिगर की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ऑल ए आर बी एंड ऑल सी आर बी, विजिबल है आपको, एकदम विजिबल है। ऑल ए आर बी को लिख सकते हैं सभी ए बी है, फिर दूसरे वाले को लिख सकते हैं सभी सी बी है, यानी कि सारे के सारे ए भी बी हैं और सारे के सारे सी भी क्या है, बी हैं। आपको मैं यहां पर लगभग 13 फिगर बनवा रहा हूं, अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे आप 13 फिगर बनाएंगे पूरे लेक्चर के दौरान, और इन 13 फिगर में जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे आप चाहे कहीं से भी क्वेश्चन लगाएं, एसएससी लगाओ, बैंक लगाओ, यही 13 में से एक होगा, और ना विश्वास हो तो लगा के देख लेना, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन तब बताऊंगा, देखना। फिलहाल देखो यहां पर लिखा हुआ है सभी ए बी हैं और सभी सी बी हैं, आपको फिर से अपने उसी प्रोसेस को दोहराना है, आपको फिगर बनाना है, फिर ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है, फिर बी और सी के बीच में रिलेशन देखना है, और फिर सी और ए के बीच में देखना है। तो यहां पर देखिए सभी ए बी बनाने के लिए मुझे रहा, ये रहा मेरा ए और मैंने ये बना दिया सभी ए क्या हो गए, बी हो गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, ए फॉर इलाहाबाद से और बी फॉर भारतीय। नहीं नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा हूं, ये थोड़ा सा बन जाता है। तो सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं, भारतीय हैं, और फिर सभी सी बी हैं, यानी कि सभी चंडीगढ़ वाले भी क्या हैं, भारतीय। सी फॉर चंडीगढ़ ले लेते ना, तो ए फॉर इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, सी फॉर चंडीगढ़ वाले भारतीय हैं, तो इलाहाबाद वाले चंडीगढ़ के बीच में कोई रिलेशन मिल रहा है? नहीं। देखिए वैसे ही बनाया फिगर, यानी कि आप यहां पर बनाएंगे ए और सी, जो कहेंगे वही करा जाएगा, जो कहा जाएगा सेंटेंस में बिल्कुल आप वही करेंगे। सभी ए बी हैं, सभी सी बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी सी बी हैं, लेकिन ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आगे चलते हैं, जरा देखिए ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे। ए और बी के बीच में जो फिगर है उसको गौर से देखिए, ए ऐसा है और बी ये पूरा बड़ा वाला है, तो इनके बीच में मैंने आपको बताया कितने रिलेशन बनेंगे। इस फिगर में 3 रिलेशन है ए और बी के बीच में, और वो है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए, यानी कि सभी ए बी हैं और सभी ए बी हैं आता है तो कुछ अपने आप आ जाता है, यानी कि कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं। बी और सी की बात करते हैं, बी और सी को जरा गौर से देखिए, बी ये है और सी ये है, यानी कि सी ये है और बी ये पूरा कंप्लीट है, तो पूरा का पूरा सी किसके अंदर है, बी के अंदर है, यानी यहां पर बी और सी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, ऑल सी आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर बी। यहां पर भी बी और सी के बीच में कितने रिलेशन बन रहे हैं, 3। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, देख के ही समझ में आ जाएगा हाँ इनके बीच में इतने ही रिलेशन है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं है। और देखिए दोनों पॉजिटिव में मैंने नेगेटिव की कोई बातचीत यहां पर नहीं की है। इसके बाद बात करते हैं ए और सी की, तो ए और सी में कितने रिलेशन बनेंगे, फिर से देखिए ए और सी एकदम दूर दूर है, इनके बीच में कोई रिलेशन बनने वाला नहीं है। मैं एक एक केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बड़ी मेहनत लगती है ये स्लाइड बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है ये कॉन्सेप्ट समझाने में, बड़ी मेहनत लगती है ये सारी चीजें बनाने में, और फिर उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कोई चीज करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता है और वो पॉजिटिव होता है, तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है प्लीज। लेकिन ये मुझे पता चलेगा, ये मुझे ऑल इलाहाबाद प्रयागराज तन्मय जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा है आपने। तो वाई सर इज रॉन्ग, क्यों कौन कौन कह रहा है मुझे रॉन्ग है, हाय शिवानी, राधे राधे, उत्कर्ष यादव, भैया हमसे भी राधे राधे कर लो, यही करते रहोगे क्या? चलो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने लाइक और शेयर इसको किया है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ये चीजें समझ में आई हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ए और बी के बीच में कितने रिलेशन है, 3, बी और सी के बीच में कितने रिलेशन है, 3, और ए और सी के बीच में कितने रिलेशन है, ए और सी के बीच में यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन इन बिटवीन ए एंड सी। अब बात करते हैं एक और, देखते हैं जरा इसके बारे में बात करते हैं नया। अब यहां से आपकी समस्या शुरू होती है, यहां से निगेटिव सेंटेंस आना शुरू होते हैं,
जहां पे नेगेटिव आना शुरू होगा वहां पे कथन सकारात्मक भी हो सकता है और कथन नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक वाला तो यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव देगा लेकिन नेगेटिव वाला तो नेगेटिव भी देगा। कुछ नहीं करना है, जो चीजें आपको बताई हैं सिर्फ उतना करो, अर्जुन बनो, दूर दूर की चीजों को पास नहीं करो, बस इतना करते रहो। लिखा हुआ है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी बनाने के लिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये रहा कुछ ए हो गए और कुछ बी हो गए, इतनी बात समझ में आ गई है, इतना बन गया। उसके बाद लिखा हुआ है नो बी सी, नो बी सी का मतलब कोई बी सी नहीं है, क्या मैं लिखूं हिंदी में, समझ में आ रहा होगा, इतनी इंग्लिश तो आती होगी, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूं कि आपको आती है, नो बी इज सी यानी कि कोई बी सी नहीं है, और कोई भी सी नहीं है तो बी और सी के बीच में हम लोग बनाएंगे हाई टेंशन लाइन, यानी कि बी और सी के बीच में रिश्ते कैसे होंगे, नेगेटिव, मैंने देखिए डॉट बना दिया है, और डॉट बनाया है तो डॉट का मतलब आपको एक अच्छी आदत अब डाल लेनी है, नो और नॉट, अभी आपको हो सकता है इसका मतलब ना समझ में आ रहा हो, अभी आपको हो सकता है ये यूजलेस लग रहा हो, लेकिन यकीन मानो दोस्तों अगर दो मिनट में सिलॉग के पांच क्वेश्चन ना करवाए, सिर्फ दो मिनट में पांच क्वेश्चन पढ़ोगे भी क्वेश्चन भी करोगे, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से हो पाएगा। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का लीस्ट काउंट मेथड है, कई सारे मेथड होते हैं, 150% का ए ई आई ओ यू मेथड होता है, लेकिन वो सब चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, अगर किसी तरीके से आपको अच्छे से समझाया जा सकता है तो वो वेन डायग्राम का मेथड है, 100% एक्यूरेसी मैं मेंटेन करके दूंगा, ए बी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो फिलहाल यहां पर देखते हैं, अब तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, जरा बताएंगे कि यहां पर ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनने वाले हैं, क्योंकि ए और बी सम का रिलेशन है तो इनके बीच में दो रिलेशन बने हैं, ये हो गया सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ए और बी के बीच में अगर इसके अलावा कोई कुछ भी कहता है तो वो अफवाह होगी, और अफवाह पर विश्वास ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अफवाहों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो ए और बी के बीच में अगर अफवाह फैलाई गई तो वो अफवाह क्या फैलाई जा सकती है, वो फैलाई जा सकती है कुछ ए सी कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये गलत बात है भाई, इनके बीच में हमको बताया गया है कुछ ए बी है, हमको बस इतना पता है, बाकी हम नेता नहीं, हम ज्यादा बातें नहीं करते, यानी कि ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। अब बात करते हैं बी और सी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी और सी, बेहद इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आप इस तरह का फिगर बनाते हैं किसी निगेटिव केस के, आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इस तरह का कोई फिगर बनाते हैं बी और सी के बीच में, तो आप देखें बी और सी के बीच में नो और नॉट के रिलेशन है, तो दो रिलेशन नो के आएंगे और दो रिलेशन नॉट के आएंगे, जो कि मैंने वहां बना रखे हैं, यानी बी और सी के बीच में कितने रिलेशन आने वाले हैं, चार, बी और सी के बीच में चार रिलेशन है, नो बी सी, नो सी इज बी, सम बी आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट बी। लग रहा है ना चांदनी चौक टू चाइना वाली फीलिंग आ रही है ना, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, मजबूरी है मेरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में घुस जाएगा एकदम से लॉक, अगर ये वीडियो देख लो तो ढंग से घुस जाएगा, निकलेगा नहीं फिर। तो यहां पर बी और सी के बीच में कितने रिलेशन है, यहां पर चार रिलेशन है, नो बी सी, नो सी इज बी, सम बी आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट बी। कुछ लोग लगातार कमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा तेज जाना चाहता हूं ताकि आज हम इसको थोड़ा सा इतना लेवल तक पहुंचा दें कि खत्म कर सके। अब मैं यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए हूं, इसको मैं दे देता हूं एक नंबर और इसको मैं दे देता हूं दो नंबर, यहां से नो और नॉट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहां से आपको जादू दिखेगा कि नो और नॉट का जादू क्या है। आपको बताना है कि ए और सी के बीच में दो रिलेशन है, मैं आपको इतना बता देता हूं कि दो में से एक गलत है, दो में से यहां पर एक रिलेशन सही नहीं है, आपको बताना है उन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है और कौन सा गलत, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, आपको बस नंबर लिखना है कौन सा रिलेशन सही है कौन सा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल देख के बताइए, सम ई आर नॉट सी सही है या सम ई आर सम सी आर नॉट इज सही है, आपको गौर से देख के बताना है, इस फिगर के ऊपर जाना है और आपको ए और सी के बीच में यहां रिलेशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, फिर मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूं कैसे आप नॉट वाले रिलेशन को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जरा जल्दी से बताइए कि वन और टू में से कौन सा सही है, फटाक से बताइए। सर अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। क्वेश्चन हिंदी में स्क्रीन पर दिखाओ, बिल्कुल दिखेगा, दो वाला रॉन्ग है, किसी ने यहां पर आंसर किया है दो वाला रॉन्ग है। जी अमित कुमार जी, अमित कुमार जी मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, आप काफी टाइम से लगे हुए हैं मेरे साथ, बने हुए हैं, एक राइट है, मैं पूछ रहा हूं यहां पर कौन सा रॉन्ग है, रॉन्ग वाला बताना बेटा, राइट वाला नहीं बताना, कौन सा रॉन्ग है, वन इज राइट, वन इज राइट, वन इज राइट, टू इज रॉन्ग, ठीक है ओके, दोनों रॉन्ग, ठीक, वेरी गुड, समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अब यहां पर एक कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, एक ट्रिक आपको सिलॉग की बताने जा रहा हूं, बिल्कुल भी यहां से हिलिएगा नहीं, दो मिनट तक बस इसे देखिए। सबसे पहले आप सेंटेंस जब भी कोई पाते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट सी, ये आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है पूरी तरीके से, सम ए आर नॉट सी, आपको सबसे पहले इसमें फोकस करना है, इसके फिगर पे जाएंगे, यहां पर तीन वेरिएबल है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, और जरा देखिए जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो दो वेरिएबल का है, एक है ए और एक है सी। अब फिगर देख के बताइए डॉट किसके ऊपर है, मैं पूछ रहा हूं डॉट किसके ऊपर है, डॉट
डॉट है तो नॉट है, डॉट नहीं हो तो नॉट नहीं है, यानी कि ये है डॉट और डॉट किसके ऊपर है, सी के ऊपर डॉट है, मतलब ये रिलेशन बन जाएगा। यही ट्रिक है, कुछ नहीं करो, दिमाग लगाते रहते हैं जितना दिमाग, अब तुम्हारी आत्मा कुछ कहे परमात्मा कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रिलेशन सही है। कैसे, ए एकदम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और सी कैसा दिखाई दे रहा है, निगेटिव, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया है, एक डॉट लग गया है, डॉट है तो नॉट है और डॉट है तो नॉट है, ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर नॉट है तो ये रिलेशन बन पाएगा, नॉट है नहीं है तो ये रिलेशन बन नहीं पाएगा। एक्सप्लेनेशन अभी आ रहा है, ट्रिक ये थी, देख के तुरंत कर सही कर सकते हो। दूसरे में देखिए लिखा हुआ है सम सी आर नॉट ए, यहां पर ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉट, ए के ऊपर नॉट लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर पूरे फिगर में आप देखेंगे तो ए के ऊपर कहीं पर भी डॉट नहीं है, और अगर डॉट नहीं है तो नॉट भी नहीं होगा। यही तरीका है, यानी कि यहां पर ये सेकंड वाला सही है, तो जो लोग कह रहे थे फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी गुड। तो यहां पर अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए हुआ क्या, कहा गया कि कुछ अमेरिकी, ए फॉर अमेरिकी बी फॉर भारत, कुछ अमेरिकी भारत में रह रहे हैं, रह भी रहे होंगे, पता नहीं कहां रह रहे होंगे, लेकिन वो रह रहे होंगे मान लीजिए, कुछ अमेरिकी भारत में रह रहे हैं और कोई भारतीय चाइना नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बीच में निगेटिव रिश्ते हैं, सी फॉर चाइना बी फॉर भारत, कोई भारतीय चाइना नहीं जा पाएगा। तो कितने अमेरिकी चाइना नहीं जा पाएंगे, जरा गौर से सोचिए बताइए, कितने अमेरिकी चाइना नहीं जा पाएंगे, ये जो अमेरिकी भारत के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी भारतीय चाइना नहीं जा पाएगा, तो ये अमेरिकी जो भारत के अंदर रह रहे हैं वो चाइना नहीं जा पाएंगे। और कितने अमेरिकी भारत के अंदर रह रहे थे, कुछ अमेरिकी भारत के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब कुछ अमेरिकी चाइना नहीं जा पाएंगे, कुछ अमेरिकी चाइना नहीं जा पाएंगे। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो समय यार नॉट सी निकल जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसी कोई जानकारी दी थी कि कोई चाइना वाला अमेरिका नहीं जा पाएगा, नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये वाला रिलेशन नहीं बन पाएगा, सम सी आर नॉट ए, जबकि सम ए आर नॉट सी बन जाएगा। एक तरीका और है इसको देखने का, वो क्या है, बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो रिकॉर्डेड वीडियो में दोबारा पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं, अगर मैं सी का गोला उठा के आपके पास फेंकूं, ये एकदम मजाकिया तरीका है लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, ये सी का पूरा गोला उठा के आपके पास फेंकता हूं, तो इससे क्या होगा, ये बी से जुड़ा हुआ बी भी चला आएगा, और बी भी चला आएगा तो ए कितना डैमेज हो जाएगा, ए थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, कितना डैमेज होगा, थोड़ा सा, यानी सम ए आर नॉट सी, अगर आप सी को उठा के फेंकते हैं तो ए को डैमेज होना है, यानी कि ए का जो सी के साथ रिलेशन है वो सम का है, वो भी कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे डैमेज हो रहा है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप इनको पढ़ सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, या एक और फिगर देखते हैं, नया फिगर आ गया है आपके लिए, यहां पर लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, फिर लिखा हुआ है नो बी इज सी। मैं हिंदी पे लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं मुझसे कि सभी ए बी है, फिर लिखा हुआ है कोई भी सी नहीं है। अब इसलिए ये लाइन बनाना इंपॉर्टेंट था, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अगर आप यहां पर कोई भी लाइन नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो नेगेटिव रिलेशन है वो किसके साथ है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले कहा गया ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं, तो मैंने उसका ये फिगर बना रखा है, ये है सभी ए और ये सभी के सभी क्या हो गए हैं, बी हो गए हैं। फिर उसकी बात कहा गया कि कोई बी सी नहीं है, यानी कि नो बी इज सी, तो B और C के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। और थोड़ा सा इसको शेयर करो यार, 1000 कर दो प्लीज प्लीज। तो इसको ये दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, किसके बीच में, B और C के बीच में। अब ये हो गया B और C, मैं बहुत ही मजाकिया तरीके से इसको पढ़ा रहा हूं लेकिन कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, एक भी क्वेश्चन आज तक मेरा गलत नहीं हुआ, ऐसे लॉक के केस में कभी गलत नहीं हुआ। तो यहां बी और सी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक अच्छी आदत डाल लेनी है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो यहां पर नो और नॉट लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहां पर भी आप लिखेंगे नो और नॉट। अब वही बात अर्जुन बनिए, जब आपसे ए और बी के बीच में रिलेशन पूछे जा रहे हैं तो ए और बी के बीच में रिलेशन कितने होंगे, ये आपको विजिबल है एकदम अच्छे तरीके से, ए और बी के बीच में कितने रिलेशन होंगे, भाई साहब बताइए, अपनी आत्मा की आवाज को पुकारिए और निकालिए, कितने आएंगे, अब तो आ जाना चाहिए भाई, एक तीन रिलेशन होंगे, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर बी, इसके अलावा कुछ भी कहा जाएगा वो क्या होगी, अफवाह होगी, अफवाह पर कोई विश्वास नहीं करना है। फिगर और देखते हैं, बी और सी के बीच में कितने रिलेशन होंगे, जब आप बी और सी को देखेंगे तो आप सिंपल से ए को इग्नोर कर देंगे, ए के कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, सिर्फ वो बी और सी के बीच में रिलेशन बताइए जी। बी और सी के बीच में चार रिलेशन होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो नो और नॉट लिए हुए हैं, दो रिलेशन नो के और दो रिलेशन नॉट के। हिंदी में भी समझ लीजिए, नो बी सी यानी कि कोई बी सी नहीं है, नो सी इज बी यानी कि कोई सी बी नहीं है, सम बी आर नॉट सी यानी कि कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये है नो और नॉट का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं ए और सी के बारे में, अब थोड़ा सा ये डीप में जाने लगा है, अब ये अंदर जा रहा है धीरे धीरे, समझ में आ रहा होगा कि ए और सी में कैसे रिलेशन बनाए। देखिए मना कर दिया गया कोई भारतीय चाइना नहीं जाएगा, ये एग्जांपल बहुत सटीक होता है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, कोई भारतीय चाइना नहीं जाएगा, तो ये जो इलाहाबाद वाले हैं सारे के सारे इलाहाबाद वाले कहां रह रहे हैं, भारत में, लिखा हुआ है ना ऑल ए आर बी, सारे के सारे इलाहाबाद वाले कहां रह रहे हैं, भारत में, तो ये बेचारे इलाहाबाद वाले चाइना जा पाएंगे क्या, नहीं, यानी कि कोई इलाहाबाद वाला, क्योंकि सारे के सारे इलाहाबाद वाले भारत के अंदर हैं,
तो कोई इलाहाबाद वाला भी चाइना नहीं जा पाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर निगेटिविटी है यानी कि ऊपर अगर डॉट है तो उसका पूरा पूरा इफेक्ट अंदर आता है, यानी इस पर भी डॉट रहेगा। तो जब आप ए और सी के बीच में रिलेशन बनाने जाएंगे तो ए और सी के बीच में भी आपको कितने रिलेशन मिलेंगे? चार। कौन कौन से? ए और सी के बीच में मिलेगा नो ए सी, नो सी इज ए, सम आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट ए, क्योंकि वो पूरा का पूरा इफेक्ट अंदर आएगा, पूरा का पूरा। कोई इलाहाबाद वाला चाइना नहीं जा पाएगा, तो कुछ इलाहाबाद वाले भी निश्चित रूप से चाइना नहीं जा पाएंगे और कुछ चाइना वाले भी इलाहाबाद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको मना किया गया है कि बी और सी के बीच में कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब यहां पर ए और बी के बीच में कितने रिलेशन है? तीन। बी और सी के बीच में कितने रिलेशन है? चार। ए और सी के बीच में भी कितने रिलेशन है? चार। अब ध्यान क्या रखना है, अगर ऊपर वाले गोले पर निगेटिविटी है तो अंदर वाले गोले पर भी निगेटिविटी आएगी, आपको उसमें कोई भी शक नहीं करना है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पर जिनके बीच में निगेटिव बन रहे हैं उनके बीच में मैंने कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनाया है, यानी ध्यान रखिएगा सकारात्मक कथन आएंगे तो कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं आएगा, और अगर सारे के सारे नकारात्मक आएंगे तो कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं आएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं, ये भी बड़ा मजेदार होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये देखिए लिखा हुआ है ऑल ए आर बी एंड नो ए सी, विजिबल है आपको, और यहां पर ये रिलेशन वगैरह पूरा लिखा हुआ है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं बहुत तेजी से इसको खत्म कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो ये कम से कम तीन दिन चलता, लेकिन आधे आधे घंटे की क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, नहीं पढ़ रखा है तो अभी पढ़ लीजिए। फिलहाल शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, यानी कि सभी के सभी ए क्या है? बी है, और सभी के सभी ए बी है, तो यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग मुझे डांटना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में लिखो। सभी ए बी है, फिर लिखा हुआ है कोई ए सी नहीं है, ठीक। अच्छा ये बताइए जरा, अगर ए और बी की जगह अंग्रेज, गुलाब, पत्ती, फूल इस तरह का कुछ आएगा तो कर लोगे ना? हाँ नहीं बताओ कि सर ने तो ए वाला पढ़ाया था, हमको फूल पत्ती वाला समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल वैसा ही करना है, आपको वेरिएबल से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब क्या करते हैं, सभी ए क्या हो गए हैं? बी हो गए हैं। तो ए और बी के बीच में तो एकदम क्लियर है, जब तक ए और बी के बीच में रिलेशन बनाएंगे तब तक सी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम क्या बन चुके हैं? अर्जुन बन चुके हैं। तो अर्जुन ए और बी के बीच में देखेगा, अर्जुन ए और बी के बीच में देख के बताओ जरा कि ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे। बार बार वही हो रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में, घर जाके बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना बोरिंग होता है दोबारा पढ़ भी नहीं पाओगे। किसी किसी किताब में तो इतना बोरिंग दिया परेशान कर लेता है, पता नहीं क्या बताते रहते हैं, खूब सारा लेक्चर देते रहेंगे समझ ही नहीं आएगा क्या है। तो फिलहाल यहां पर ए और बी के बीच में कितने रिलेशन है? तीन, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, उसमें तो डाउट नहीं होने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं ए और सी के बीच में, तो हमें ये डॉट बनाने वाली आदत अपनी बनाए रखनी है। अब देखिए मैंने डॉट पहले नहीं बनाया ताकि आपको जब जब मैं पढ़ाऊं तब तक यहां डॉट बनाता रहूं। तो ए और सी के बीच में कितने रिलेशन होने वाले हैं? ए और सी के बीच में डॉट वाले रिलेशन होने वाले हैं, और डॉट है तो नॉट है, ये मेरा स्लोगन मान लीजिए, डॉट है तो नॉट है। डॉट और नॉट के बीच में रिलेशन देखिए, तो यहां पर ए और सी में कितने रिलेशन होंगे, पहले ए और सी देख लेंगे फिर बी और सी की बात करेंगे। ए और सी में देखिए नो ए सी, नो सी इज ए, क्योंकि दोनों के नो नो वाले रिलेशन हो गए, फिर दोनों के नॉट नॉट वाले रिलेशन लेंगे, सम आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट ए। उम्मीद है यहां पर आपको ए और सी के बीच के रिलेशन एकदम क्लियर हो गए होंगे। कितने आएंगे? चार आ गए, चार। तो यहां पर कितने आ गए होंगे आपको ए और सी के बीच में कितने रिलेशन है? चार। इसके बाद अब मैं बी और सी के बारे में आपसे बात करता हूं, क्योंकि बी और सी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो बी और सी के बारे में बात करते हैं। जरा देखिए बी और सी के बीच में दो रिलेशन मैंने यहां लिख रखे हैं, और फिर मैं कह रहा हूं कि इनमें से एक सही है, आपको रॉन्ग वाला बताना है, रॉन्ग कौन सा है, एक नंबर या दो नंबर। कंसेप्ट अभी अभी आपने सीखा है, एक नंबर और ये दो नंबर, आपको बताना है इनमें से रॉन्ग कौन सा है, सेकंड वाला रॉन्ग है कि फर्स्ट वाला रॉन्ग, रॉन्ग बताना है, रॉन्ग। गुड इवनिंग सर, प्लीज कोई कॉन्सेप्ट छोड़िएगा मत, आप पे भरोसा है। सत्यम शर्मा जी बिल्कुल आप परेशान मत होइए, डोंट है तो नॉट है, बिल्कुल जयराम जी की गुरु जी, कृष्णकांत फोर 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 क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं ए और सी के बीच में, ठीक है, वेरी गुड। जरा ये बताइए बी और सी के बीच में ये एक रिलेशन मैंने यहां पर दो लिखे हुए हैं, इनमें से एक रॉन्ग है, आपको वो बताना है रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि आप नॉट वाला कॉन्सेप्ट अभी अभी मैं पढ़ा के आया हूं, आपको वहां से देख के इसको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है, प्लीज देख के बताइए। सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, बड़ी तेजी से आंसर आने लगे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड सिंपल सा क्या देखोगे, क्या देखोगे, नॉट किसके साथ है, इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में लेके आया, माफी चाहता हूं कि मैं इसको पूरा का पूरा इंग्लिश में लेके आया, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ते तो क्या पढ़ते, कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, समझ नहीं आता निगेटिव किसके साथ है। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो क्लियर तो हो रहा है कम से कम कि सम बी आर नॉट सी। अब मान लो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ऐसा सेंटेंस आ गया कुछ पक्षी मुर्गी नहीं है, कुछ पक्षी मुर्गी नहीं है, तो उसको ऐसे पढ़ लेना सम पक्षी आर नॉट मुर्गी,
इतने में काम चल जाएगा यार, अपने को नॉट से मतलब है, इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, अपन लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और बुद्धि लगानी हमको आती है, बुद्धि है हम सबके पास, तो सम बी आर नॉट सी की अगर हम बात करें तो सम सी आर नॉट बी में अगर आप देखें तो नॉट किसके पास है, क्या बी के गोले में कहीं पर भी आपको नॉट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, देख के गलत कर दो, नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं बन पाएगा इस फिगर में। हाँ, ये निश्चित रूप से बन जाएगा सम बी आर नॉट सी, यानी कि क्योंकि सी के पास क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, डॉट है तो नॉट है, डॉट है तो नॉट है, यानी कि ये रिलेशन आपका पहला वाला सही है, जिन्होंने सेकंड आंसर किया है सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, बिल्कुल 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 आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर हम लोग काफी हद तक डीप में पहुंच गए, तो बी और सी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे ये आपने देखा। फिलहाल मैं एक तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस चीज को, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बनेगा ऑल ए आर बी। ठीक, एक तरीका और है एक्सप्लेन करने का, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखा हुआ है नो ए इज सी, तो ध्यान रखिएगा अगर निगेटिविटी अंदर है, विजिबल है आपको, दिख रहा है, अगर निगेटिविटी अंदर है तो वो बाहर की ओर नहीं जाएगी, यानी कि बी निगेटिव नहीं बनेगा। बाकी अर्जुन तो हो ही, तुम क्या करो, ए को साफ कर दो, आओ भाई ए को हम लोग साफ कर देते हैं, हमको रिलेशन किसके बीच में बताना था, बी और सी के बीच में। तो जब आप बी और सी का गोला देखेंगे तो नजर आएगा कि सी के ऊपर डॉट है और बी के ऊपर क्या है। अब आप चले जाओ अपने चौथे वाले कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उसमें बताया था कि अगर किसी के ऊपर डॉट होगा तो नॉट रखना, और अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में एक ही रिलेशन बनेगा सम बी आर नॉट सी, यानी कि कुछ भी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो इस फिगर के बीच में ए और बी में कितने रिलेशन, तीन, ए और सी के बीच में कितने रिलेशन, चार, वो लिखे हुए हैं वहां पर। फिर बी और सी में कितने रिलेशन, केवल एक, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखिएगा, इन सम बी आर नॉट सी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक और, जल्दी से ले लेते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये आपका टेस्ट है एक तरीके से, इसमें जितना मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना था मैंने लगभग सारा पढ़ा दिया है, बेसिक पढ़ा दिया है, एडवांस बाकी है। एडवांस मतलब सेंटेंस के फॉर्मेशन चेंज होंगे, हम वो सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे जैसे ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, मान लो उसको उसको चेंज ही कर दे, उसको लिख दे कि 100% विद्यार्थी ऐसे हैं, या केवल ए ही ऐसे हैं, केवल बी ही ऐसे हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आपके सामने एक फिगर है और इसमें मैं आपसे आंसर लेने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल डी आर सी यानी कि सभी डी सी हैं, नो बी सी। आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन उठाइए, उसमें फिगर बनाइए, फिगर बनाने में मैं इसको तब तक हिंदी में लिख देता हूं, सभी ए बी है, फिर सभी डी सी है, तीसरा कोई बी सी नहीं है। जिनको हिंदी में चाहिए था उनके लिए हिंदी में है, आपको इसका फिगर बनाना है और अपनी कॉपी पे इसके रिलेशन चेक करके देखने हैं, मुझे आंसर बताते जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। पॉजिटिव वाला केस पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन अगर ऐसे हड़का के पूछोगे तो फिर मुझे थोड़ा सा खराब लगता है। पढ़ाओगे पढ़ाओगे, कुछ है यहां पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, पढ़ाएंगे भाई पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हड़का दो हड़का दो, यहां है अकेले तो हड़का दो। चलो फिलहाल जरा देखते हैं ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, यहां पर ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे। ए और बी को देखो, अर्जुन बन जाओ, ए लिखा हुआ है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऐसा ही बनेगा। फिर लिखा हुआ है सभी डी सी हैं, सभी डी क्या हो गए हैं, सी हो गए हैं, और कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि यहां पर बनाएंगे हम डॉट। अब एक एक करके हम लोग आंसर लेना शुरू करते हैं, ए और बी के बीच में कितने बनेंगे, सोचो बताओ फटाक से, आ गया होगा, ए और बी के बीच में कितने बनेंगे, जी लिख दिया है हिंदी में, ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं, आंसर लिखिए अपना। ए और बी के बीच में तीन बनेंगे, ये लिखा हुआ है सामने, कॉपी तो कर ही सकते हो यार, कॉमन सेंस नाम की भी एक चीज होती है। ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। बी और सी के बीच में कितने बनेंगे, बी और सी कैसे जुड़े हुए हैं, एक निगेटिव रिलेशन से, साफ साफ देखिए बी और सी किससे जुड़े हुए, एक निगेटिव रिलेशन से, तो इनके बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, चार, याद हो जाना चाहिए अब तक, ये कितने बनेंगे, चार। कौन कौन से बनेंगे बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए, नो बी सी, नो सी इज बी, सम बी आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट बी। अब जरा बताओ ए और सी के बीच में कितने बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था अगर बाहर निगेटिविटी होगी तो वो निगेटिविटी अंदर जाएगी, यानी यहां पर भी डॉट बनेगा। तो ए और सी के बीच में रिश्ता कैसा है, डॉट का है, यानी कि उनके बीच में नॉट का रिश्ता है। तो ए और सी के बीच में भी कितने रिलेशन बनेंगे, नो ए सी, नो सी इज ए, सम आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट ए, यानी ए और सी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, चार। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जी बिल्कुल सही, बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो गए हैं। एक और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ रिलेशन और बाकी हैं, ये बिल्कुल वही फिगर है, परेशान मत होइएगा, बस यहां पर रिलेशन और लेने गया हूं मैं। यहां सी और डी के बीच में कितने बनेंगे, क्योंकि और भी यहां वेरिएबल देना, तो सी और डी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे बताते जाइए। सी और डी के बीच में भी तीन बनेंगे, ऑल डी आर सी यानी सभी डी सी है, सम डी आर सी यानी कुछ डी सी है, और सी और डी के बीच में बनेगा सम सी आर डी यानी कुछ सी डी है। तो कुछ डी सी है, कुछ सी डी है। अब जरा बताइए बी और डी के बीच में कितने बनेंगे, अब कितना भी बड़ा फिगर आया उसको कर लोगे, तो बी और डी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, नॉट मैंने बताया था अगर बाहर है,
तो अंदर भी आएगा। तो यहां पर बी और डी के बीच में कितने रिलेशन बनने वाले हैं? नो बी इज डी, नो डी इज बी, सम बी आर नॉट डी एंड सम डी आर नॉट बी। इसके बाद अब मुझे आपको बताना है ए और डी के बीच में कितने बनेंगे। ए के ऊपर भी नॉट है, डी के ऊपर भी नॉट है, यहां पर मैं दो ही रिलेशन लिख पाया हूं, लेकिन इनके बीच में भी कितने बनेंगे? चार। अब दो आपको पता होंगे कौन से बनेंगे, नो ए डी अगर बनेगा, नो डी बनेगा, तो दो निश्चित रूप से और बनेंगे, और वो कौन से होंगे? एक होगा सम ए आर नॉट डी, एक ये होगा, और एक और होगा, वो कौन सा होगा? बिल्कुल सम डी आर नॉट ए। तो इस तरह से आपने इस पूरे फिगर की एनालिसिस कर ली है, और ये पूरी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है यहां पर, ऑल ए आर बी, ऑल डी आर सी, नो बी सी। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं कि किसमें कितने रिलेशन होते हैं। अगर हम जब निष्कर्ष चेक करेंगे उसमें हमको कुछ चीजें नजर आती हैं तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल फटाक से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। यहां पर नो टॉय इज डॉल लिखा हुआ है, यानी कि कोई खिलौना गुड़िया नहीं है। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है ऑल गन्स आर टॉयज, यानी कि सभी बंदूकें खिलौना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑल हाउसेज आर डॉल्स, ऑल हाउसेज आर डॉल, यानी कि सभी घर गुड़िया हैं। और एक और बात, ऑल डॉल्स आर बास्केट, यानी कि सभी टोकरियां, सॉरी ऑल डॉल और बास्केट का मतलब हुआ सभी गुड़िया टोकरियां हैं। विजिबल होगा आपके लिए, फिगर बनाना शुरू करिए। काफी बड़ा फिगर ले लिया है हमने पहले ही बार, पहले ही क्वेश्चन इतना टफ लिया है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा फिगर है। फिगर बना लीजिए, नो टॉय इज डॉल, यानी कि टॉय ये है, टॉय और डॉल ये है, इन दोनों के बीच में रिश्ते कैसे? निगेटिव, यानी कि यहां और यहां। अभी तक हम लोग ए बी में पढ़ रहे थे, अब पहली बार हम लोग यहां पर ये लेके आए हैं कि उसको कॉन्सेप्ट वाइज लेके आए। क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई खिलौना गुड़िया नहीं है, टॉय का मतलब खिलौना हो गया, और कोई भी खिलौना गुड़िया नहीं है, इनके बीच में हमने जो रिलेशन बनाया है वो कैसा बनाया? निगेटिव। फिर लिखा हुआ है सभी बंदूकें खिलौना है, सभी बंदूकें खिलौना है, सभी बंदूकें यानी ऑल गन्स आर टॉयज, ऑल गन्स आर टॉयज, यानी सभी बंदूकों को अगर खिलौना बनाना होगा तो हमें खिलौने गन वाले गोले को छोटा रखना होगा और उसे टॉय के अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑल हाउसेज आर डॉल, ऑल हाउसेज आर डॉल, तो ये हो गया ऑल हाउसेज आर डॉल, यानी सभी के सभी घर क्या हो गए? गुड़िया हो गए हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑल डॉल्स आर बास्केट, यानी कि सभी के सभी डॉल क्या हो गए? बास्केट हो गए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से शुरू करते हैं फटाफट, गन्स और टॉय में कितने रिलेशन बनेंगे? गन्स और टॉय में, गन्स और टॉय में कितने रिलेशन बनेंगे? तीन, पता है ना आपको, इसमें तो तीन ही बनते हैं। हाउस और डॉल में कितने बनेंगे? हाउस और डॉल में भी तीन। डॉल और बास्केट में कितने बनेंगे? डॉल और बास्केट में भी तीन। हाउस और बास्केट में कितने बनेंगे? डॉल हटा दीजिए, हाउस और बास्केट में कितने बनेंगे? तीन। अब जरा बताइए टॉय और डॉल में कितने बनेंगे? चार। तो आपको लगभग सारे रिलेशन यहां पर पता है, और सारे रिलेशन पता होने के बाद अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ कंक्लूजन। अब आप पहली बार इस पूरे वीडियो के दौरान कंक्लूजन चेक करने जा रहे हैं। जरा देखिए, आपने इसका फिगर बना लिया था, ये बिल्कुल वही चीजें हैं। यहां पर आपको चेक करना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। मैं नंबर डाल देता हूं 1, 2, 3, 4, तो जो आपके हिसाब से सही है उनके नंबर लिख के भेजिए। जैसे 1 सही हो तो 1 लिख दीजिए, सही बताना है, राइट आंसर करना है, तो जो आपके हिसाब से सही हो उनके नंबर लिख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों वीडियो को शेयर करिए, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा हिल जाओगे। अभी सिलॉग शुरू किया है मैंने, खत्म करने तो दो। तो फिलहाल बताइए कौन सा नंबर आपके हिसाब से सही है। 4 सही है, 2, 3 सही है, बिल्कुल देखते चले जाइए, आराम से बताते चले जाइए, बिल्कुल आराम से बताइए। पहला लिखा हुआ है सम डॉल्स आर टॉयज, डॉल कहां है भाई? डॉल कहां है? डॉल ये है, और डॉल तो ये है, डॉल डॉल ये है भाई, मिल गया ना डॉल। और डॉल और टॉय के बीच में रिलेशन कैसा है? ये तो यार लड़ाई कर रहे हैं, निगेटिव रिलेशन है इनके बीच में। अगर निगेटिव रिलेशन है तो यहां तो ये रिलेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव नहीं निकालना, निगेटिव आए तो पॉजिटिव नहीं निकालना। अब तुम्हारी आत्मा कुछ भी कहे, परमात्मा कुछ भी कहे, ये रिलेशन सही नहीं है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि डॉल और टॉय के बीच में जो चार रिलेशन बनने वाले हैं वो चारों के चारों निगेटिव है, और चारों के चारों अगर निगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। अच्छा, एक अच्छी आदत हम लोग भूल ही गए। अच्छी आदत क्या है हमारी? अच्छी आदत देर से पड़ती है ना,
तो इसको थोड़ा सा जल्दी डाल लीजिए, नो और नॉट लिखने की, तो आपको दूर से समझ में आएगा कि नो और नॉट। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉय का जो भी निगेटिविटी है वो डॉल के साथ है, टॉय का जो भी निगेटिविटी है वो किसके साथ है, डॉल के साथ। तो ये लाइन मदद कर रही है मेरी कि निगेटिविटी किसके साथ। दूसरा देखते हैं, सम हाउस आर डॉल्स। हाउस कहां है भाई, हाउस ये है, डॉल कहां है ये। हाउस और डॉल में कितने रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन बताए थे, तीन। हाउस और डॉल में तीन रिलेशन है, ऑल हाउस आर डॉल, सम डॉल आर हाउस, सम हाउस आर डॉल। तो यहां पर इसमें कितने रिलेशन बनाने पड़ेंगे मुझे, यहां पर उनमें से एक रिलेशन आ गया है, तो ये रिलेशन क्या होने वाला है, सही होने वाला है, क्योंकि सभी के सभी घर गुड़िया है, तो कुछ घर भी निश्चित रूप से क्या होंगे, गुड़िया होंगे। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन आता है कि सर सभी की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ की बात क्यों कर रहे हैं, तो कुछ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस रिलेशन को गलत नहीं कह सकते। अगर आपको सभी के बारे में पता है, जैसे मैं कहूं कि सभी के सभी मोटरसाइकिलें पंचर हैं, तो कुछ मोटरसाइकिलें भी तो पंचर होंगी, सभी के सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो कुछ लैपटॉप भी तो कंप्यूटर होंगे, तो यानी ये रिलेशन क्या होने वाला है, सही होने वाला। अगला देखते हैं, अगला, सम बास्केट आर गन, सम बास्केट आर गन। बास्केट कहां है, यहां, गन कहां है, यहां। इनके बीच में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। सम के रिलेशन के लिए दोनों फिगर का ओवरलैप करना जरूरी था, यहां पे ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी तीन नंबर गलत है। यहां पर हम इसको कंक्लूजन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन इसको गलत भी नहीं बोलेंगे ना तो इसको सही बोलेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाल फिलहाल बास्केट यानी कि ये जो बास्केट टोकरी वाला बड़ा वाला गोला था, इसका गन के साथ कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, हाल फिलहाल नहीं आ रहा, बन सकता है, आपको सोच के रखना है। बास्केट और गन के बीच में एक रिलेशन है, सोच के बताना क्या होगा, मैं नहीं बता रहा हूं, कल बताऊंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है सम बास्केट आर नॉट टॉयज, एक और रिलेशन लिखा हुआ है, सम बास्केट आर नॉट टॉयज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट किसके साथ है, नॉट किसके साथ है, टॉयज के साथ ना, टॉयज के पास नॉट है क्या, है तो यार टॉयज के पास नॉट है, और टॉयज के पास नॉट है तो बास्केट के साथ भी है क्या। अब वही बात करते हैं, हम लोग अर्जुन बनते हैं, अर्जुन बनने में हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट डिलीट करते हैं, पूरा कोशिश करूंगा मैं, डिलीट होगा नहीं, ये पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट डिलीट करते हैं, तो आप देखेंगे बास्केट पॉजिटिव है जबकि टॉय कैसा है, नेगेटिव। तो इनके बीच में वही अर्जुन वाला फिगर बन रहा है, सम बास्केट आर नॉट टॉय, यानी कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या है, सही है। तो जिन्होंने 2 और 4 करेक्ट बताया है, इसका मतलब वो सारे के सारे सही है, डॉट है तो नॉट है, बास्केट पॉजिटिव, गन नेगेटिव, एग्जैक्टली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, यानी कि कल देखेंगे, कल कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ाने के बाद मैं आपको स्पेशल केस पढ़ाऊंगा, आइदर और पढ़ाऊंगा, पॉसिबिलिटी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, सारा का सारा आ रहा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लगातार इसको लाइक करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आ गया होगा समझ में तो यहां पर, इसके बाद आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज जरूर लाइक और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।